हेलो एवरी वन आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एन सी आर टी द माइंड तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फोर मैथ्स अरिहंत वर्क बुक चैप्टर इलेवन टेबल्स एंड सेयर्स तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आप भी अपना वर्क बुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए टेबल्स एंड सेयर्स राइट द करेक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट टू शो द अरेंजमेंट ऑफ बिलो गिवेन ऑब्जेक्ट इन एन एरे वन हैज़ बिन डन फॉर यू तो देखिए यहाँ पे ना आपको करेक्ट मल्टीप्लीकेशन फैक्ट लिखना है जैसे कि यहाँ पर आपको एक तो बताया गया है जैसे यहाँ पे फ्लावर है तो वन टू थ्री थ्री है तो हम यहाँ पे जैसे कि एक एडिशन फैक्ट इस तरह से लिखेंगे ठीक है तो थ्री 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 फोर वर्ड इस साइड से हम काउंट करते हैं तो फोर होता है ठीक है तो फोर बार हमें लिखना है ट्वेल्व होगा उसके बाद देखना है कि यहाँ पे थ्री है तो थ्री लिखेंगे थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से ठीक है तो मल्टीप्लिकेशन फैक्ट निकलना है तो ट्वेल्व होगा ठीक है दोनों ही तरह से ट्वेल्व आता है अब ऐसे ही ये वाला बनाना है ठीक है तो वन टू थ्री फोर फोर है अब इधर से हम काउंट करेंगे तो फोर है यानी कि फोर को हम फोर बार लिखेंगे सिक्सटीन होगा और फोर को हम मल्टीप्लाई फोर से कर देंगे फिर भी सिक्सटीन आता है ठीक है फिर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव है और फाइव हम कितने बार लिखेंगे सिक्स बार सिक्स बार लिखेंगे प्लस कर देंगे तो थर्टी आएगा अब फाइव को हम सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी थर्टी आएगा इसके बाद है वन टू थ्री फोर फोर है फोर को हम तीन बार लिखेंगे ठीक है फोर 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 यानी कि ट्वेल्व आएगा और फोर को हम थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेल्व भी आएगा ठीक है उसके बाद है सिक्स 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 यानी कि सिक्स बार देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है तो सिक्स को हम कितने बार लिखेंगे फोर बार यानी कि ट्वेंटी फोर ठीक है उसके बाद है सिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से यानी कि ट्वेंटी फोर दोनों ही तरह से ट्वेंटी फोर ही आएगा ठीक है उसके बाद है राइट द गिवन मल्टीप्लीकेशन फैक्ट इन रिपीटेड एडिशन फॉर्म वन हैज़ बिन डन फॉर यू अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लीकेशन फैक्ट है अब इसे जो है ना आपको एडिशन फॉर्म में लिखना है एक तो ऐसे बताया गया है सेवन मल्टी फाइव है अब सेवन मल्टी फाइव आप इसे किस तरह से एडिशन फॉर्म में लिखेंगे जो कि बराबर ही आएगा तो देखिए सेवन 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 यानि कि हम फाइव बार सेवन लिखेंगे और इसे आप अगर एड करते हैं तो कितना आता है थर्टी फाइव इधर भी थर्टी फाइव ठीक है इसी तरह से दूसरा बनाएंगे ठीक है इसी तरह से हमें दूसरा भी बनाना है तो जैसे एट मल्टी थ्री है ठीक है तो इसे हम कितने बार लिखेंगे यानी कि एट 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 को हम थ्री बार लिखेंगे ठीक है यानी कि ट्वेंटी फोर दोनों ही साइड ट्वेंटी फ़ोर होगा अब नाइन मल्टी फोर है तो नाइन को हम फोर बार लिखेंगे यानी कि थर्टी सिक्स इधर भी थर्टी सिक्स इधर भी थर्टी सिक्स टेन मल्टी सेवन है तो टेन को हम सेवन बार लिखेंगे यानी कि सेवेंटी ठीक है इसके बाद है सिक्स मल्टी नाइन तो सिक्स को नाइन बार लिखेंगे ठीक है तो कितना होगा फिफ्टी फोर तो इसी तरह से आप बना लेंगे ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि इधर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है और इधर आपको एडिशन फैक्ट में आपको जो है ना रिपीटेड एडिशन में लिखना है ठीक है तो जैसे कि दोनों ही साइड बराबर -बड़ होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उल्टा कर दिए जैसे कि नाइन है तो नाइन नाइन को आप जो है आ, कुछ कम ऐसे लिख दिए ठीक है तो ये आपको बराबर -बड़ करना है तो इसी तरीके से आप बना लेंगे ठीक है उसके बाद है ट्रिक फॉर टेबल फॉलो द गिवन टेबल्स ऑफ टू थ्री फोर एंड फाइव ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेबल्स गिवेन एनसर्स ऑफ द क्वेश्चन गिवन विलो अब देखिए इस बेसिस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है जैसे कि यहाँ पे टेबल दिया हुआ है ठीक है टू का है थ्री का है ठीक है और फोर फाइव तो ये सारे टेबल्स हैं अब यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रॉम द टेबल ऑफ सिक्स बाई यूजिंग टेबल्स ऑफ टू एंड फोर अब यहाँ पे क्या करना है आपको सिक्स का टेबल बनाना है और आपको टू एंड फोर का टेबल का यूज़ करके ठीक है तो टू और फोर का टेबल यूज़ करके सिक्स का टेबल कैसे बनेगा तो देखिए टू का टेबल टू प्लस फोर ये दोनों का ही टेबल यूज़ हो रहा है ठीक है टू और फोर टू प्लस फोर कितना होता है सिक्स अब इसी तरह से टू के बाद फोर फोर प्लस एट फोर के टेबल में एट आता है टू के टेबल में फ़ोर आता है फ़ोर प्लस एट कितना होगा सिक्सटीन फिर सिक्स प्लस ट्वेल्व एटीन एट प्लस सिक्सटीन ठीक है तो आपका इसी तरह से जो है ना आपको सिक्स का टेबल बनाना है तो ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर फिर थर्टी थर्टी सिक्स ठीक है तो इसी तरह से ये कंप्लीट आप करेंगे सिक्सटी तक ठीक है तो इस तरह से मैंने यहाँ तक ही बनाया है आपको समझाने के लिए आप इसे कंप्लीट करेंगे अब इसी तरीके से है सेकेंड में कि फॉर्म द टेबल ऑफ एट बाई यूजिंग टेबल्स ऑफ थ्री एंड फाइव अब यहाँ पे एट का टेबल बनाना है आपको थ्री एंड फाइव के टेबल का यूज़ करके तो देखिए थ्री प्लस फाइव ये दोनों का टेबल यूज़ हो रहा है कितना होगा ऐड करेंगे तो एट उसके बाद सिक्स प्लस टेन तो कितना होता है सिक्सटीन ठीक है ये एट का टेबल भी बन रहा है एट वन जर एट एट टू जर सिक्सटीन ठीक है उसके बाद नाइन प्लस फिफ्टीन तो ट्वेंटी फोर एट थ्री ट्वेंटी फोर तो इसी तरीके से इसे आप आगे कंप्लीट करेंगे फॉर्म द टेबल ऑफ़ नाइन बाई यूजिंग टेबल्स ऑफ फोर एंड फाइव अब यहाँ पे नाइन का टेबल बनाना है फोर एंड फाइव का टेबल यूज़ करके तो फोर प्लस फाइव कितना होगा नाइन एट प्लस टेन कितना होगा एटीन और देखिए ट्वेल्व प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी सेवन यानी कि देखिए नाइन का टेबल बना नाइन वन जे नाइन नाइन टू जटीन नाइन थ्री जन ट्वेंटी सेवन ठीक है तो इस तरह से ये नाइन का टेबल इसे भी आप उसी तरीके से कंप्लीट करेंगे फिल द बॉक्सेस विद करेक्ट नंबर वन हैज़ बिन डन फॉर यू तो यहाँ पे ये जो बॉक्स है ना इसे आपको करेक्ट नंबर से फिल करना है तो देखिए जैसे यहाँ पर है फोर्टी टू फर्स्ट है फोर्टी टू है तो एक तो बताया गया है सिक्स मल्टी सेवन तो कितना होता है फोर्टी टू और ट्वेंटी वन मल्टी टू तो फिर हम मल्टी करेंगे तो फोर्टी टू ही आएगा अब इसी तरीके से थर्टी फाइव थर्टी फाइव को हम कितने से कितना को मल्टीप्लाई करेंगे जो थर्टी फाइव आएगा तो ये देखना है आपको तो सेवन को मल्टीप्लाई करेंगे हम फाइव से यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे मिसिंग नंबर है तो आपको ये मिसिंग नंबर इसमें डालना है कि कौन सा नंबर होना चाहिए ठीक है सेवन फ़ाइव जा थर्टी फाइव अब सेवन फाइव जा थर्टी फाइव दोनों ही साइड अब वन ट्वेंटी एट तो फोर है और यहाँ पे हम थर्टी टू लिखेंगे थर्टी टू फोर जा थर्ट uh, फोर और फोर को हम थर्टी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा थर्टी टू फोर जा तो होगा आपका वन ट्वेंटी एट अब इसी तरह से सिक्सटीन एट जा यहाँ पे सिक्सटीन है तो हम एट बारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ट्वेंटी एट आएगा अब सेवेंटी टू है सेवेंटी टू को हम किस से किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो सेवेंटी टू आएगा यानी कि सिक्स को हम ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करेंगे सेवेंटी टू थ्री को ट्वेंटी फोर से तो सेवेंटी टू अब वन ट्वेंटी फोर है तो टू को सिक्सटी टू से ठीक है तो ये आएगा आपका वन ट्वेंटी फोर अब इसी तरीके से फोर को थर्टी वन से तो आपका आएगा ये वन ट्वेंटी फोर 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 ज़ीरो है तो इलेवन फोरटी ठीक है इलेवन को फोर्टी से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर 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 फोर्टी आएगा ठीक है अब फोर्टी मल्टीप्लाई करेंगे इलेवन तो फोर फोर ज़ीरो ठीक है तो इसी तरीके से आपको ध्यान से बनाना है उसके बाद है आपका फाइंड द प्रोडक्ट तो इसे फाइंड करना है तो सिक्स मल्टीप्लाई सेवन कितना आएगा फोर्टी टू एट फोर ज़ा कितना आएगा थर्टी टू एटीन वन ज़ा एटीन सिक्सटीन और मल्टीप्लाई करेंगे हम फिफ्टी से तो कितना आएगा एट हंड्रेड फोरटीन मल्टीप्लाई ट्वेंटी तो टू हंड्रेड एटी ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई थर्टी तो सिक्स हंड्रेड थर्टी ठीक है तो इसी तरीके से बना लेंगे इसके बाद है फिल इन द बॉक्सेस ट्वेल्व मल्टीप्लाई टेन कितना होगा वन हंड्रेड ट्वेंटी फिफ्टीन मल्टीप्लाई टेन वन हंड्रेड फिफ्टी वन ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई टेन तो कितना आएगा वन थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी वन ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई वन हंड्रेड तो कितना आ जाएगा कितना आएगा आपका ट्वेल्व ट्वेल्व थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ठीक है उसके बाद है वन एट एट मल्टीप्लाई वन हंड्रेड से तो कितना आएगा एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड अब ट्वेंटी सिक्स मल्टीप्लाई यहाँ पे वन थाउजेंड से करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आएगा ठीक है तो यहाँ जो भी मिसिंग नंबर है वो आपको लिखना है तो इसी तरह से इसे कंप्लीट कर लेंगे आप ठीक है उसके बाद है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लीकेशन अजय बाइज फोर बंचेज ऑफ बनानाज़ अजय ने खरीदा कितना फोर बंचेस खरीदा बनाना का देर आर एट बनानाज इन ईच बंच क्या है कि एट बनाना जो है ना हर एक बंच में एट बनाना है हाउ मैनी बनानाज डज़ अजय बाय ऑल टूगेदर तो अजय ने कितना बनाना ख़रीदा तो नंबर ऑफ नंबर ऑफ बंचेज कितना है फोर फोर बंचेज खरीदा नंबर ऑफ बनाना इन ईच बंच हर एक बंच में कितना है एट बनाना है टोटल नंबर ऑफ़ बनानाज कितना होगा फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे एट से यानी कि थर्टी टू बनानाज टोटल कितना है थर्टी टू बनानाज अब इसी तरीके से ये वाला भी है एक क्रिकेट स्टेडियम हैज़ फोर फिफ्टी रॉज विथ हंड्रेड सीट्स इन ईच रॉ अब देखिए हंड्रेड सीट्स के साथ में जो है ना फोर फिफ्टी रॉज है ठीक है क्रिकेट स्टेडियम में हाउ मैनी सीट्स आर देयर इन स्टेडियम अब बताना है कि स्टेडियम में टोटल कितना सीट है तो नंबर ऑफ़ रॉज कितना है 450 नंबर ऑफ़ सीट्स इन ईच रॉ हर एक रॉ में कितना सीट है 100 तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना हो जाएगा 450 मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से ठीक है तो कितना हो जाएगा 44 45,000 सीट्स ठीक है इतना टोटल सीट है उसके बाद है थर्ड में ए बेकर पुट फोर रोज ऑफ पेस्ट्रीज पेस्ट्रीज इन अ लार्ज बॉक्स एक देखिए एक बेकर ने फोर रॉज जो है ना पेस्ट्रीज जो है ना एक लार्ज बॉक्स में मतलब डाला इच रॉ हैड फाइव पेस्ट्रीज हर एक रॉ में फाइव पेस्ट्रीज हैं द बेकर पैक्ड टेन सच बॉक्सेज तो बेकर ने इसी तरह का सच टेन बॉक्सेज पैक किया हाउ मैनी पेस्ट्रीज डिड ही पैक तो उसने कितने कितने पेस्ट्रीज पैक किए तो नंबर ऑफ रॉज कितना है फोर नंबर ऑफ पेस्ट्रीज इन इच रो तो फाइव नंबर ऑफ बॉक्सेस पैक्ड तो टेन तो टोटल नंबर ऑफ पेस्ट्रीज पैक्ड कितना हो जाएगा फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से और मल्टीप्लाई टेन ठीक है यानी कि टू हंड्रेड पेस्ट्रीज उसके बाद है आपका ये वाला में तो देखिए इन स्कूल विथ अ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ वन ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट्स एंड सॉरी ईच स्टूडेंट डोनेटेड टू हंड्रेड फॉर अर्थ क्विक डिज़ास्टर फंड फॉर नेपाल तो देखिए यहाँ पे सभी ने क्या किया टू हंड्रेड जो है ना अर्थ क्विक डिज़ास्टर के लिए फ़ंड uh, दिया ठीक है हर एक स्टूडेंट कितने हैं वन ट्वेंटी सिक्स स्टूडेंट हैं तो फाइंड द टोटल सम डोनेटेड बाय ऑल स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो है ना बताया जा रहा पूछा जा रहा है कि सारे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने कितना डोनेट किया ठीक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है वन ट्वेंटी सिक्स मनी डोनेटेड बाई इच हर एक ने कितना डोनेट किया टू हंड्रेड तो टोटल सम डोनेटेड ठीक है तो वन ट्वेंटी सिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टू हंड्रेड से तो कितना निकल जाएगा ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड ठीक है गरिमा अबाउट एट बॉक्सेस ऑफ इरेजर्स ने नेट बॉक्सेस इरेजर ख़रीदा इच बॉक्स है थर्टी इरेजर हर एक बॉक्स में थर्टी इरेजर है तो हाउ मैनी इरेजर्स डीट सी बाई तो उसने कितना इरेजर खरीदा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस एट है नंबर ऑफ इरेजर इन ईच बॉक्स कितना है थर्टी टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स सी बाय तो उसने कितना खरीदा तो ऐट को मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी से तो 240 इरेजर्स ठीक है आपको इसी तरह से बना लेना है ठीक है जैसे ये जो है बिल्कुल ही सिंपल तरीक़ा से समझाया हुआ है मैंने यहाँ पे समझाया है आपको तो आप इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी आप लिखेंगे ठीक है इसके बाद है डिवाइड एंड आंसर ठीक है डिवाइड करना है और यहाँ पे आंसर लिखना है तो थर्टी सॉरी सेवेंटी टू को हम डिवाइड करेंगे सिक्स से ठीक है तो कितना आएगा आप डिवाइड करके देख सकते हैं सेवेंटी टू है, 72 है इसे हम डिवाइड इस तरह से करेंगे ठीक है तो सिक्स को हम वन से जो है यहाँ पे लिखेंगे सिक्स सिक्स वन जिक्स ठीक है तो यहाँ पे ये टू उतर जाएगा और ये सेवन में से सिक्स गया तो कितना बचा वन वन बचा अब यहाँ पे कितने बार में आएगा टू बार में सिक्स टू ज ट्वेल्व तो इस तरह से कट जाएगा ठीक है तो आप जो है ना इस तरीके से इसे डिवाइड करके देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे आएगा, आएगा आपका ट्वेल्व अब इसी तरह से ये वाला भी बनाना है फोर्टी टू को डिवाइड सेवन से करेंगे तो सिक्स आएगा वन फोटी डिवाइड सेवन तो ट्वेंटी वन ट्वेंटी डिवाइड फोर तो थर्टी आएगा वन थर्टी सिक्स डिवाइड फोर से करेंगे तो आपका थर्टी फोर आएगा वन सिक्सटी एट को डिवाइड एट से करेंगे तो हम ट्वेंटी वन आएगा ठीक है तो इसी तरीके से आपको बना लेना है उसके बाद है सॉल्व द स्पाइडर डाइग्राम अब ये स्पाइडर डाइग्राम है इसे आपको सॉल्व करना है केयरफुल्ली Examine the द इस्पाइडर डाइग्राम एंड कम्प्लीट द डाइग्राम यूजिंग टेबल ऑफ सिक्स ठीक है अब सिक्स का टेबल का यूज़ करके जो है ना ये डायग्राम कंप्लीट करना है वन हैज़ बिन डन फॉर यू तो एक तो यहाँ पे बताया गया है ठीक है जैसे कि यहाँ पर है ठीक है जैसे कि यहाँ पे सिक्स है तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सिक्स है अब सिक्स में जो है ना यहाँ पे टू यहाँ पे जैसे कि ट्वेल्व है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमें सिक्स का टेबल कंप्लीट करना है तो सिक्स को टू से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व आता है अब सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करने पे एटीन आता है सिक्स यहाँ पे थर्टी है तो सिक्स को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स फाइव जा थर्टी फोर्टी टू है तो सिक्स सेवन जा फोर्टी टू सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स सिक्स टेन जा सिक्सटी अब सिक्स को एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी एट सिक्स को नाइन से तो फिफ्टी फोर ठीक है तो इसी तरीके से ये आपका टेबल कंप्लीट होता है तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे इतना ही रिवीजन कीजिए क्योंकि चैप्टर लंबा है और मैं आपको इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप इतना ही रिवीजन कीजिए और आपको कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं और आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके अच्छा लगा हो तो एन सी आर टी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि एन सी आर टी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर थैंक्स टू वॉच माई वीडियो